इन पे बैठे बैठे हालत खराब हो चुका है यार। अभी हम लोग यहाँ टाटा आए हुए हैं से होटल चेकआउट कर चुके हैं। कोडरमा स्टेशन का पास ही में हम लोग रुके हुए थे, तो वहाँ से बस अब स्टेशन भी पास में। अब स्टेशन जाना, अब ट्रेन शायद लेट है, 1 घंटा या 2 घंटा ट्रेन लेट है, पर मैं जा रहा हूँ ट्रेन के लिए, जा रहा हूँ वहीं पे स्टेशन पे, तब देखते हैं। हम लोग का बोगी आगे था और हम लोग को पता नहीं था कि आगे हम लोग का बोगी है। हम लोग सबसे लास्ट पे चले गए थे और हम लोग को पता नहीं और कितना जाना है। बस जा रहा हूँ, जाना है और जाना है। अंधेरा है चारों ओर, चारों ओर अंधेरा। हम लोग का जो बोगी है उसमें जाने के लिए तो आगे गेट बंद है, तो आगे जा नहीं सकते। उसके लिए तो पारसनाथ स्टेशन आएगा, तो वहीं पे हम लोग चेंज करेंगे। और बाकी बात, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हमको लगता है कि आधा से ज़्यादा ट्रेन हम लोग घूम चुके हैं, सिर्फ पैदल चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो यहाँ गेट ब्लॉक होने का कारण नहीं जा पा रहे हम लोग। तो सीधा वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं आपको। ट्रेन पे बैठे बैठे हालत खराब हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ टाटा आए हुए हैं। गाइज यहाँ पे काम चल रहा है, इसी का कारण बहुत लेट हो रहा है ट्रेन। और भी बहुत कुछ रीजन है ट्रेन। भुवनेश्वर में है तो फिर से अब हम लोग को बोगी चेंज करना है। अब S2 जाना है, तो S2 हम लोग निकल रहे हैं। यार ये मिल चुका है हम लोग का S2, अब S2 के अंदर जा रहे हैं। आगे देखते हैं, भैया है वहाँ पे, बहुत दूर से आए हम लोग, वहाँ जला गए। अरे अकेले, कसम से अकेले। पूरा पूरी पहुंच गए हैं, काफ़ी उतना भी भीड़ नहीं है, मतलब यहाँ क्या बोलते हैं, भुवनेश्वर से ज़्यादा भीड़ नहीं, पर फिर भी यहाँ पूरी में भीड़ है। और जस्ट हम लोग अभी तुरंत पहुँचे हैं, जैसे देख सकते हो मेरा पीछे भीड़ उड़ होगा सारा कुछ आपको। चलना क्या है, कैसे नहीं है, उतना कुछ आइडिया नहीं है। आगे कोच जा रहे हैं, तो कोच का जस्ट हम लोग कोच का फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग का ग्रुप तीन ग्रुप में डिवाइड हुआ है, तीन ही चार ग्रुप में डिवाइड हुआ है, तो हम लोग सबसे चौथा ग्रुप है हमारे। प्लेटफॉर्म का पूरा एक चक्कर काट चुका हूँ, पर पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। चेक कर रहे थे, तो एक का आईडी कार्ड नहीं था, तो उसी में टाइम लग गया आईडी कार्ड मंगाने में। यहाँ का नियम बहुत टाइट है कि आपका आईडी कार्ड नहीं होगा तो आपको अंदर नहीं आने देगा, तो उसी को कारण आईडी कार्ड ही सब सारा कुछ मंगवाएं, अंदर करवाएं सबको। उसी की बात ये है कि यहाँ पे हल्का सा ठंडा नहीं लगेगा आपको, हल्का सा बोल रहा हूँ ना, हल्का सा फील नहीं हो रहा है यहाँ का ठंडा। यहाँ का लोकल लोग को आपको दिखाऊंगा, वो लोग को हल्का सा फील नहीं हो रहा है यहाँ का ठंडा, पूरा मजा करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आ गया, गाड़ी आ गया जिसमें बैठ के हम लोग को होटल जाना है। तो पहुंच चुके हैं, मतलब यहाँ जहाँ पूरी का बीच है, तो जस्ट हम लोग बीच का साइड में है। और बाकी बात, यहाँ सारा कुछ खाने पीने के लिए लगा हुआ है, सारा खाने पीने का लगा हुआ है। फिर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था खाना को लेके कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो सबने बोला कि सबने नहीं, मैंने ज़्यादा सजेस्ट किया कि रोटी और जो होता है छोला और बहुत सी सब्जी है, तो मिक्स सब्जी रहेगा और रोटी वोटी रहेंगे। तो हमारी टीम जा चुकी है होटल के लिए, जा रही है, बस हम आपको दिखाएंगे आगे। ट्रैफिक बहुत ईजी है, आराम से आप क्रॉस कर सकते हो, ट्रैफिक उतना आपको ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेगा। और हम लोग धीरे धीरे होटल के लिए निकल रहे हैं, 12 लोग हैं जस्ट वी, और जस्ट हम लोग जा रहे हैं। मेरे फोटो को सीनी सीयो चिपका ले सीयो फेविकॉल से, या लाइक दैट ओनली। काफ़ी लंबा हमारा लाइन है जैसे देख रहे होंगे, ऐसा काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसे आके, मतलब
सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया है। ये है हमारा होटल, बस एंट्री कर रहे हैं हम लोग होटल में। हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर होटल में। और सारा कुछ खोल दिए हैं, उतना ठंड नहीं लग रहा था तो खोल दिए हैं। और बस सो रूम में आ गए हैं। रूम कुछ खास नहीं, बहुत ही छोटा रूम मिला है जैसा देख सकते हो, बहुत ही छोटा रूम मिला है। तारीफ कर रहे हैं अपना ब्लॉग का, ठीक है जी। रूम सब अच्छा है, क्या बोलते हैं, बहुत बहुत अच्छा मिला है। हमारे कोच है, बहुत परेशान है यहाँ। क्या कीजिएगा, देख रहे हैं थोड़ा अरेंजमेंट। आज का जितना देखना था, जितना घूमना था, हम लोग सारा घूम लिए हैं। हम लोग स्टेशन से आए, थोड़ा स्टेशन में दिक्कत हो रहा था, आईडी कार्ड मांग रहा था तो उसमें शॉर्ट आउट हो गए थे। थोड़ा 5-10 मिनट वेट हुआ था तो वो शॉर्ट आउट हो गए। वहाँ से फिर हम लोग ऑटो पकड़े, ऑटो से पकड़ के फिर हम लोग यहाँ बीच पे आए। बीच पे आए थोड़ा, वहाँ हम लोग 15 मिनट घूमे वूमेंगे। फिर वहाँ से हम लोग का डिनर पैक हुआ। डिनर पैक होने के बाद हम लोग होटल आए। होटल से फिर अब रात हो गया है। फिर यहाँ पे ये कोविड लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं, कोविड लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है यहाँ पे। तो हम लोग खाना खा रहे थे तो खाना में रोटी था तो सब्जी घट गया था। तो सब्जी लाने गए तो देख रहे हैं नीचे लॉक किया हुआ है और बाहर सारा कुछ बंद किया हुआ है। तो आज का इतना ही है। तो ये episode 2 हुआ और बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड भी बनाएंगे, 3 एपिसोड भी बनाएंगे। तब तक बने रही ऋषाल ब्लॉग के साथ। Thank you for watching Rishal Blog.